नमस्कार साथियों एवं प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे और जानेंगे मेष राशि वाले सभी मित्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो साथियों, सबसे पहले आने वाले नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं यह वर्ष आपके जीवन का सबसे मंगलमय एवं शुभ वर्ष हो। तो मेष राशि वाले सभी मित्रों, आप अपनी राशि में छुपी जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाली सारी बातें जान लीजिए। अपने अंदर छुपे गुण और अपनी संभावनाओं को, अपनी योग्यता को जानकर भविष्य का नवनिर्माण करिए और अपनी राशि के अनुरूप जीवन को ढालने की कोशिश करिए ताकि सफलता हमेशा आपकी दासी बनी रहे। मित्रों, शुभ और प्यारी बातें जानने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर रोज एक नई जानकारी के साथ आप लोग हमेशा रूबरू होते रहें। धन्यवाद। साथियों, आपकी राशि मेष राशि चक्र की पहली राशि है। यह राशि अग्नि तत्व, तमोगुण, चर स्वभाव एवं मंगल ग्रह से प्रभावित होती है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह मेढ़ा, जो संघर्ष का परिचायक है। आपका रूखा और आकर्षण स्वरूप, साधारण कद, सामान्य सुंदर मुखाकृति होती है। आप स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति, आदर्श चरित्र एवं नेतृत्व के गुण के कारण समाज में अपना व्यक्तित्व छिपा नहीं पाते हैं। आप स्वयं के गुणों के कारण ही अपने आप ही लोकप्रिय हो जाते हैं। आप मनोकांक्षा पूरी किए बिना आराम को हराम समझते हैं। आपकी सफलता का कारण तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एवं लक्ष्य को दृष्टि से ओझल ना होने देना है। आपका स्वभाव आपको अपने विषय में सोचने को बाध्य करता है। आप जल्दबाज, अविवेकी एवं कल्पना शक्ति की अल्पता के कारण वीर एवं साहसी होते हैं। आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बेदर्द एवं कठोर भी हैं। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण क्रोध करना, चुनौती देना और चुनौती को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आप में सबसे ज्यादा होती है। आप यदा कदा परिस्थितिवश अविवेक एवं अंतर्द्वंद के कारण कई प्रकार की बाधाओं से घिर भी जाते हैं। आप दूसरों पर अपेक्षा करने से नहीं चूकते, बात सदा मन में रखते हैं और अवसर पाते ही बदला लिए बिना नहीं चूकते हैं। क्षमा करना आपके स्वभाव में नहीं होता है। यदि कभी किसी को क्षमा करना भी पड़े तो ऊपरी मन से करते हैं। आपको शत्रु एवं विरोधी हमेशा हानि पहुंचाने के लिए सबसे आगे बने रहते हैं। आप स्वभाव के हठी एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्षशील रहते हैं। आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति याद दिलाने से बढ़ती है। आपके जीवन में परिवर्तनशीलता क्रमिक उत्थान के साथ आती है। आप स्वतंत्र विचारधारा के अनुयायी हैं तथा स्वयं को सर्वोपरि समझते हैं। आप अपनी क्रियात्मक शक्ति के बल पर दूसरों को शरण देकर संभालना, उनका पालन पोषण करना एवं उनको अच्छे से अच्छा सहारा देने में सबसे आगे रहते हैं। एक स्थान पर टिके रहना आपको शोभा नहीं देता। आप में नेतृत्व और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी है। आप अभिमानी, वाक्पट, वर्थाभिमानी, क्रोधी, धन संग्रह करने में अरुचि रखते हैं। आप प्रेम संबंध से चिंतित रहते हैं, पाप कर्मों से भयभीत रहते हैं एवं नौकरों एवं साहसी कर्मठ प्रतिभाशाली एवं यांत्रिक कार्यों में सफल होते हैं। आपका भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है या हुआ होगा। आपके लिए 16वां वर्ष और 22वां वर्ष तथा 24वां वर्ष विशेष परिवर्तन एवं उन्नति देने वाले होते हैं।
आप 22वें वर्ष से ही प्रगति पथ पर बढ़ने लगते हैं। आपके लिए प्रत्येक वर्ष की काल अवधियां इस प्रकार से व्यतीत होती हैं, जैसे 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय आपके लिए धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, मित्र, कुटुंब व राजनेता, बड़े लोगों के साथ समागम, आनंद प्राप्ति, हर मनोकांक्षा पूर्ण होती रहती है। और 14 फरवरी से 13 मार्च तक का समय उन्नति कारक, मंगलिक, खुशी, संतान सुख व रोग मुक्ति से दूर होता है। 15 जून से 15 जुलाई तक का समय आपके लिए धन लाभ, हर प्रकार से अनुकूल, शुभ एवं अनुकूल समाचार मिलते रहते हैं। और 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का समय आनंद प्राप्ति, कार्य सिद्धि, स्वस्थता, शत्रु नाश और धन व मान की प्राप्ति से सुख होता है। आपके लिए नवा वर्ष, 18वां वर्ष, 27वां वर्ष, 36वां वर्ष, 45वां वर्ष, 54वां वर्ष, 63वां वर्ष, आप इन वर्षों में अनुकूल समय को पहचान कर सक्रिय होंगे तो सफलता व सुख समृद्धि आपके चरणों में लोटपोट होने लगती है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो कि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, अतः आपको क्रोध से बचना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता आपकी प्रगति में विशेष सहायक है। आप कर्क, वृश्चिक एवं मीन राशि वाले व्यक्तियों या स्त्रियों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें। सिंह राशि से तो बिल्कुल सतर्क रहकर संबंध बनाएं। धनु राशि से सामान्य संबंध बनाते रहें। मिथुन, तुला एवं कुंभ राशियां आपके लिए अच्छी मित्र साबित होती हैं। वृष, कन्या एवं मकर राशियों से आपके संबंध लाभप्रद बने रहते हैं। कर्क, वृश्चिक व मीन राशि वाले व्यक्तियों से बचें व सतर्कता से व्यवहार करें, अन्यथा इस राशि के लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी राशि के लिए दिन रविवार, सोमवार, गुरुवार व मंगलवार शुभ हैं। लाल रंग आपके लिए अनुकूल है। आप 6.25 रत्ती का मूंगा सोने की या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर मंगलवार को अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं या हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायक है। मंगलवार को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा, लाल पुष्प, केसर, लाल पदार्थ, इन सभी चीजों में से किसी का भी दान करना आपके लिए शुभ फलकारी है। लाल रुमाल सदैव पॉकेट में रखें, इससे आपकी शुभता बनी रहेगी। तो साथियों, आशा करता हूं आप अपनी राशि के अनुसार बदलने की कोशिश जरूर करेंगे और जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। बस आपको क्रोध से बचने की जरूरत है और अपने ही दोस्तों से सतर्क रहने की। तो दोस्तों, मुझे भी लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृष में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।